नमस्कार, नवीनबे आवाज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। नवीनबे आवाज़ के माध्यम से आज फिर से विषय लिया गया है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के ऊपर जो एकाएक बदलाव आया है, फिर बदलाव किया गया है, क्या कुछ खास असर पड़ेगा आम जनता पर, इसी को लेकर नवीनबे करू ने अपनी राय नवीनबे आवाज़ साथ व्यक्त की है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है नवीनबे करू का। ओ, राहत मिलेगी या नहीं आगे चल के मालूम होगा। जो जो चीज़ जब राहत है वो आम जनता के लिए जरूरी है या नहीं है वो आगे चल के मालूम पड़ेगा। मेरे को अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है, अभी तो कल ही तो डिक्लेयर हो गया है, मैं कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं करूँगा, आगे चल के मालूम पड़ेगा। और यदि आम जनता को राहत देना है तो पहले से ही देना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अभी 28% कैडबरी पे और वो क्या है वो सब चॉकलेट्स पे किया हुआ है, से छोटे छोटे बच्चों का तुम मुंह में जाने वाला चॉकलेट छीन के ले रहे हो, तो ये पहले मालूम नहीं था। नहीं, ऐसा घोटाला करते ही काहे के लिए, फिर जो करना है तो फिर बराबर करना मांगता था। वो जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इसने बराबर स्कीम लाया नहीं उसको निकाल दो ना उधर से। दूसरा, उसे केवल आदमी लोग की खमती है क्या, एबल बहुत है लोग। नहीं, अभी तो फिलहाल तो कुछ बदलाव तो यहाँ पे है नहीं, वैसे कि पहले ही जीएसटी से परेशान हो चुके हैं पहले ही पब्लिक, जैसे आम दर। अभी ये जीएसटी का फ़ायदा जिससे छोटे जो हाथ के ऊपर जिसके धंधे थे वो सब तो कुछ बंद हो चुके हैं, और बड़े वाले तो है उनको ही सिर्फ बेनिफिट है, इसमें तो अपने जैसे को कुछ बेनिफिट नहीं है। आम आदमी तो आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा है, उससे ज़्यादातर ज़्यादा इफेक्ट अंबानी अडानी वो लोग को हो रहा है, अपने को तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो फिर से ज़्यादा बढ़ाव किया है ना वो लोग ने, पहले तो कम था, 18-12 कुछ था, अभी कुछ 15-16 कुछ कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि आम आदमी के जितना खून था वो सब चूसने का काम ये सरकार जो कर रही है, तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन ठीक है, अभी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, देखेंगे आगे कैसे होते और कैसे नहीं। तो पहिल्यापेक्षा बदलाव झाल्यामुळे आपल्याला भरपूर म्हणजे त्याचा फरक होणार आहे आणि फायदेशीर होणार आहे। नाही, आव्हान तर नाही, जीएसटीमध्ये जो बदलाव आला त्याच्यामध्ये भरपूर फायदे होणार आहे, म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना त्याचा म्हणजे आपल्याला भरपूर फायदा होणार आहे। अभी जीएसटी का रियल इस्टेट पे बहुत इफेक्ट हुआ है, मतलब खास करके हम लोग के फील्ड में तो बहुत बार, अभी बहुत सारे लोग फ्लैट्स लेने में हिचकिचा रहे हैं। पहले अभी 18% कुछ हुआ है जीएसटी, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वो थोड़ा बहुत हुआ है, उस पर इतना कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। मेन तो मार्केट पे बहुत फ़र्क हुआ है जीएसटी का, तो कुछ कुछ फील्ड जैसे रियल इस्टेट में तो जीएसटी कम करनी चाहिए, क्योंकि रियल इस्टेट में हम कोई चीज़ आपको जीएसटी लगानी है तो इम्पोर्ट पर लगाओ, जो बाहर गाँव से ले रहे जो इंडियन नहीं है उस पर पैसा आप लगाओ, जो इंडियन चीज़ है उस पर जीएसटी कम करो। जीएसटी ऐसा है ना जो सामान्य जनता के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जब मेडिसिन के लिए उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए, और जो अपने खाने वाने की चीज़ है उसके ऊपर जीएसटी नहीं होनी चाहिए, और अभी नया मकान लेते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगाते हैं। और जीएसटी ऐसे चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए जो अपने को दैनंदिन अपने जीवन के लिए उपयोग है, उसके लिए जीएसटी नहीं होना चाहिए। बाकी जीएसटी जो है ना, जैसे बाहर से भाई इंपोर्ट करते हैं सामान कोई इंटरनेशनल से, तो उस पे ऊपर जीएसटी अगर लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या फर्क पड़ा आपको अगर जीएसटी लगी? जीएसटी लगा तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई ऐसा वड़ा पाव वाली दुकान है, होटल्स है, तो क्या बोलता हर चीज़ लेने जाए तो जीएसटी बढ़ गया। अरे जब तू जीएसटी भरता ही नहीं है तो जीएसटी का रेट लगाने का क्या ज़रूरत है? ऐसे मुंबई में ऐसे सारे लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं वो हमको जीएसटी लगा के वो बेचते हैं माल। अरे क्यों बेचते हैं? जब तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, तुम फुटपाथ पे अपना धंधा कर रहे हो, फिर वो रेट में तुम बेच रहे हो, क्या लॉजिक है? इस तरह के ये करना चाहिए, क्योंकि वो जो पूरा रेगुलेटरी होना चाहिए, पूरा नियम के हिसाब से होना चाहिए। आज देखो, एक आम आदमी अगर किसी को अगर बिजनेस करना हो तो एक शॉप डालना पड़ता है, उसके लिए पगड़ी देना पड़ता है, उसके बाद हर महीना रेंट होता है। और ये जो जितने फुटपाथ पे दुकान है वो वही रेट पे वो लोग माल बेचते हैं।